अपने फ़ोन में तो हम स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लें तो कैसे लें? सो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला तरीका है स्निपिंग टूल का। स्निपिंग टूल की मदद से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसको स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ स्निपिंग टूल्स दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्निपिंग टूल्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके हमें जिस एरिया का भी, जिस जगह का भी स्क्रीनशॉट लेना है, उसको ऐसे लेफ्ट क्लिक करके ट्रैक करना है। थोड़ा जितना भी आपको लेना हो उतना ट्रैक करते जाइए, और ट्रैक करने के बाद छोड़ दीजिए। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमसे सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो हमें यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हम कोई भी नाम टाइप कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये था हमारा पहला तरीका स्निपिंग टूल की मदद से स्क्रीनशॉट लेने का। तो अब बताता हूँ मैं दूसरा तरीका कौन सा है जिसकी मदद से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रिंट स्क्रीन। अब हमारे कीबोर्ड में एक की होती है जिस पे लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, तो उसको एक बार प्रेस करना है। जैसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन प्रिंट हो जाती है। अब उसको हमें पेस्ट करना है, उसको हमें पेस्ट करना है। पेस्ट हमें करना है एमएस पेंट में। तो स्टार्ट मेन्यू पे गए और यहाँ पर हमें पेंट दिखाई दे रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव पर क्लिक किया और ये हमसे पूछ रहा है कहाँ आपको सेव करना चाहते हैं, तो ये डेस्कटॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नाम को ऐसे रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, इसके यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो देखिए जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे वो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में बड़े आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन दो तरीक़ों की मदद से। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।